नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज हवाएं और ओले गिरने का अंदेशा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में फ्रेंच बीन की बुआई करें। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। केरल में कहीं कहीं शनिवार को बिजली चमकने की संभावना है। रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले दो दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही कल और रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं अगले दो दिन पंजाब में बारिश की संभावना नहीं है। कल और रविवार को हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं कल और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले दो दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले दो दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। कल और रविवार को उड़ीसा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही शनिवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले दो दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में शनिवार को इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो अगले दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बरसात की संभावना है। कल और रविवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात हुई, साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं असम मेघालय के कई स्थानों पर बरसात हुई, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बरसात हुई, साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई।
रायलसीमा में भी कुछ जगह बारिश हुई। तेज हवाओं की बात की जाए तो तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर चली तेज हवाएं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगहों पर चली तेज हवाएं। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तमिलनाडु में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान की तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात के कई इलाकों में भी तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा बिहार और ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय हिमाचल प्रदेश के किसान रबी फसलों की कटाई कर सकते हैं, तो इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई जारी रखने के अलावा और कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आम के बागों की लगातार निगरानी करते रहें। आम में मिली बग का प्रकोप दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा रबी फसलों की कटाई का काम कर लें। 70 से 80% सरसों की फसल पक जाने पर फसल कटाई कर लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के किसान तैयार गेहूं की कटाई कर लें।
साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। भंडारण करने से पहले किसान इस बात की पुष्टि कर ले कि दानों में नमी ज्यादा ना हो, साथ ही भंडारण से पहले किसान इस बात की पुष्टि कर ले कि दानों में नमी ज्यादा ना हो, साथ ही भंडारण स्थान साफ और सूखा हो। यहाँ के किसान बाजरे की बुआई कर लें। रबी फसलों की कटाई के बाद यहाँ के किसान खेतों में हरी खाद की बुआई कर सकते हैं, साथ ही दलहनी फसल मूंग की बुआई कर लें। बुआई करते समय मिट्टी में नमी का ध्यान रखें, जिसके कारण अंकुरण होने में कोई समस्या न हो। हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरजमुखी के साथ अंतर फसलें लगा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में मटर, फ्रेंच बीन, पालक और मूली की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर और गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधों की रोपाई का काम भी किया जा सकता है। इस समय किसान मटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा चाय के बगानों में 6 से 7 दिन के अंतराल में तुड़ाई करते रहें। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के किसान अदरक की रोपाई का काम कर लें। रोपाई से पहले अदरक के बीज को उपचारित जरूर करें। इसके अलावा टमाटर के पौधों को सहारा दें। तुड़ाई के बाद टमाटरों की ग्रेडिंग करें। सड़े और क्षतिग्रस्त फलों को अलग कर दें। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में फ्रेंच बीन की बुआई करें। फसल को फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। पहाड़ी इलाकों में बीज कतारों में बोएं। यहाँ के किसान मिर्च की नर्सरी तैयार करें, साथ ही रोजाना सिंचाई करते रहें। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है और टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस वक्त देश में कुछ इलाकों में जहां टमाटर की नर्सरी बोई जा रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर इसकी रोपाई भी चल रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये समय टमाटर की रोपाई के लिए काफी अनुकूल है। पौध की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान टमाटर की कई तरह की किस्मों की रोपाई कर सकते हैं, जैसे पूसा रोहिणी। इस किस्म की रोपाई दिल्ली में की जा सकती है। एक हेक्टेयर में 412 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म का टमाटर लाल, गोल, चिकना और मध्यम आकार का होता है। छिलके की मोटाई 0.6 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा पूसा संकर 2 की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। इसकी बुवाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इसकी एक हेक्टेयर में 550 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। पूसा संकर 4 की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। टमाटर की ये किस्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रोपाई के लिए बेहतर है। इसकी भी एक हेक्टेयर में 550 क्विंटल तक फसल ले सकते हैं। पूसा संकर 8 की रोपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में करना बेहतर रहेगा। एक हेक्टेयर में 430 से 450 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इस किस्म का टमाटर गोल और मध्यम आकार का होता है। वजन 75 से 80 ग्राम तक होता है। अगर बात सिंचाई की करें, तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें और फिर फसल की जरूरत के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के तुरंत बाद स्टैम्प दवा की 2.5 लीटर मात्रा का छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा एक हेक्टेयर रकबे के लिए पर्याप्त है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। फल छेदक कीट के अलावा टमाटर पर सफेद मक्खी के हमले का खतरा मंडराता है। इससे बचाव के लिए थायोमेथोक्साम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। फसल में दवाओं का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। आइए अब आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। आंध्र प्रदेश के किसान तैयार धान और मक्का की कटाई करें। आंध्र प्रदेश में कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। रायलसीमा के किसान तैयार रबी मूंगफली की खुदाई करें।
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तैयार चना और कुसुम की कटाई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान कपास की चुनाई कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तैयार काली मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। मध्य गुजरात के किसान तंबाकू की कटाई कर लें। मध्य गुजरात में ही कटी हुई फसल को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। कोरोना का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस संक्रमण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। गुजरात में पत्तेदार सब्जी की फसलों की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूंग उड़द और बाजरे की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मक्का और लोबिया की बुआई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं फसल की कटाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं और सरसों की कटाई और थ्रेसिंग करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लोबिया और हरी खाद ढेंचा बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की कटाई का काम करते रहें। राजस्थान में गेहूं, सरसों और चना फसलों की कटाई कर लें। कोरोना का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस संक्रमण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालेंगे नजर। लॉकडाउन की वजह से शुरू में कई किसानों को परेशानी की शिकायतें मिली थी, जिस पर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को राहत के अनेक उपाय लागू किए। ये उपाय ठीक से लागू हो इसके लिए कृषि मंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में तोमर ने अधिकारियों से कहा कि फसलों की कटाई में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी कृषि उपज खेत के पास ही बिक जाए तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही निर्देश दिए कि उपज का राज्य और अंतर्राज्यीय परिवहन सुगमता से हो। इस संबंध में ट्रकों की आवाजाही को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है। खासतौर से निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। इसी के साथ ही चाय बागानों पर 50% कर्मचारियों के जरिए काम करने की छूट दी गई है। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म की नई सुविधा भी लॉन्च की गई है, जिनका इस दौरान लाभ उठाया जा सकता है। किसानों के अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच जमा होने हैं, उनके भुगतान की अवधि भी 31 मई 2020 तक बढ़ा दी है। यानी किसान फसल ऋण का भुगतान बिना किसी दंडात्मक ब्याज के 31 मई 2020 तक कर सकते हैं। पर अब बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। केरल में कहीं कहीं शनिवार को बिजली चमकने की संभावना है। रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कद्दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है।
इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।